ओला ईवी से अधिक कीमत पर लॉन्च हुई जेलियो ईवा इलेक्ट्रिक स्कूटर देती है उतने जितना रेंज अन्य फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पे ओला ईवी को टक्कर देने के लिए आ चुकी है नया का यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर जेलियो ईवा इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि बता दें ओला से यहाँ पे आधी रेट में मिल रहा है। आइए जानते हैं क्या इसका रेट है, ओला को क्यों टक्कर दे सकती है और कौन कौन से कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, सब कुछ डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले गाड़ी का फर्स्ट लुक ही दिखा देते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये गाड़ी का फर्स्ट लुक है, हेडलाइट देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, स्टार के टाइप के यहाँ पे दिया हुआ है। गाड़ी का फुल लुक यहाँ पे छोटा पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा, वेस्पा की तरह इसका लुक मिलता है, काफी अच्छा है। जेलियो ईवा का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कम प्राइस में यहाँ पे जो है ओला को सीधा सीधा टक्कर दे रही है। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो बात करते हैं तो देश के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड जो है लगातार वृद्धि हो रही है। बाजार में अब बजट सेगमेंट में लेकर के प्रीमियम सेगमेंट को आपको कई बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऐसे में कम कीमत में ज्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने चाह रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे काफी अच्छा है यहाँ पे जो है ये न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जो है सो खरीदने की योजना बना रहे हैं तो रिपोर्ट की माने तो आपको एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताएंगे जिसको आपको जो है 120 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक बार इसको खरीदिएगा फुल चार्ज करने के बाद 120 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज मिलेगा इस गाड़ी से। हम बात कर रहे हैं दोस्तों जेलियो ईवा का इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जिसमें कंपनी कम कीमत पर लंबी रेंज ऑफर करती है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो इसे दो अलग अलग वेरिएंट में कंपनी बाजार में बेच रही है। इस रिपोर्ट में हम आज इस स्कूटर की जुड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें सारी जानकारी आपको इस स्कूटर के बारे में मिलेगा, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं तो जेलियो ईवा इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन और आकर्षक और फीचर्स और आधुनिक के बारे में तो बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, वहीं रेलवे ड्रम ब्रेक कंपनी ने लगाया गया है। वहीं बात करें तो इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है। बात करें इसके फीचर्स को तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल मिलेगा, ट्रिप मीटर मिलेगा, DRL मिल जाएगा, डिजिटल मिल जाएगा, उसके बाद स्टोरेज मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग मिल जाएगा, डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगा, बूस्ट बटन यहाँ पे स्टार्ट मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर, USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED लैंप, जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फीचर्स के मामले में देखा जाए सभी बेहतरीन फीचर्स इस गाड़ी में दे दिया है। आगे बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज है ज्यादा और मोटर भी है दमदार। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी 60 वोल्ट और 26 से लेकर 40 एएच का बैटरी पैक ऑफर करती है। इसके साथ ही बैटरी को इलेक्ट्रिक हब मोटर के साथ यहाँ पे ज्यादा पावर के लिए कंपनी ने जोड़ा है। कंपनी का दावा है कि इस स्कूटर में बैटरी 4 से 5 घंटा में ही फुल चार्ज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें बैटरी चार्ज करने की झंझट खत्म हो चुकी है, फुल चार्ज मात्र 4 से 5 घंटा में ही हो जाएगा। आगे बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज करने के बाद इस स्कूटर में 60 से लेकर 120 किलोमीटर तक का रेंज देता है। वहीं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बता दें 2 वेरिएंट के साथ कंपनी बाजार में पेश किया है, जिसकी कीमत की बात करें तो पहला वेरिएंट की कीमत 54,575 रुपये है, जबकि दूसरे वेरियंट की कीमत 57,475 रुपये रखा गया है। यह ऑन रोड जो है इसकी कीमत है और इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें सरकार सब्सिडी भी देगी तो आपको बता दें प्राइज में कमी देखने को मिल जाएगा। तो आप जा सकते हैं जेलियो ईवा के शोरूम में, वहां पर इस गाड़ी को देख सकते हैं। कम कीमत में आपको यह गाड़ी मिल रहा है, 120 किलोमीटर चलेगा फुल चार्ज करने के बाद, वेस्पा जैसा लुक आपको देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में, जो कि काफी बेहतरीन लुक है, काफी लोग यहां पे पसंद कर रहे हैं। बाकी आप बताइएगा इस गाड़ी को आपको पसंद आया या नहीं आया दोस्तों, ये हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और इस गाड़ी को आप क्या खरीद रहे हैं, ये कब खरीद रहे हैं, ये भी हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी जाने कि आपको किस गाड़ी में जो है कितना पसंद आपको आया। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।